यमुनानगर में सोमवार देर शाम जोड़िया नाके के पास एक 15 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। कार सवार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। गोली युवक के पेट में लगी, जिस पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और घायल नितिन के बयान लिए। वहीं पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि बयान लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हाँ, ये नितिन कहाँ से हो, क्या हुआ आपके साथ? या मैं मोटरसाइकिल जा रहे थे तेल पुआने जा रहे थे जी। वहाँ पे कार तुम्हारा थी, I-20 कार थी, जेड ब्लैक शीशे थे। ये नहीं पता जी वो मेरे को ही मार रहे थे या किसी और के मार रहे थे जी। तो किस जगह की घटना? ये जी जोड़ियों की है। पहचानते हैं उनको? ना जी, किसी को नहीं पहचानता जी। क्या किस तरह का लिया था उनका? सर जेड ब्लैक शीशे थे, कुछ नहीं पता लगा भाई एकदम। या तो वो किसी और के मार रहे थे, क्या पता वो मेरे लगी हो, क्योंकि मेरे तो किसी साथ दुश्मनी नहीं है या चौकरी का चक्कर, किसी का चक्कर नहीं है। तो आप किस काम से जा रहे थे? मैं तेल पुआन जा रहा था। किस में? मोटरसाइकिल में। तो वो किस में थे? वो कार में थी, I-20। कितने बंदे थे? ये नहीं पता लगा जितने थे। किस मुँह ढक रहे थे, कैसे थे? ये सर बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे जी, अंदर का कुछ दिख ही रहा था। आप काम क्या करते हो? पढ़ता हूँ जी, 10th क्लास में। कहाँ? नेशनल स्कूल में। कौन सी क्लास में? 10th में। तो कहाँ के रहने वाले? मीना नगर। कैंप मीना नगर। क्या हुआ, घटना कैसे घटी? मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, एक सामने से I-20 गाड़ी आई, उसने पहले शीशा उतारा अपना और काले शीशे लगे हुए थे उसके, और फिर नितिन मेरा दोस्त नीचे उतरा और गोली चलने की आवाज़ नहीं आई, फिर उसने चीख मारी तेज, और फिर जब वो गाड़ी वाले सीधा नो, कोई नंबर प्लेट नहीं और ब्लैक शीशे थे, काली फ्रेम लगी। तो आप साथ थे? हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम बिल्कुल इधर से कैमरा से आ रहे थे, जोड़ी की तरफ जा रहे थे, और फिर मैंने उसे उठाया, फिर मैं सिवल ले आया। फिर क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने मुझे बाहर काट दिया और सारे इलाज हो रहा है। आपका क्या नाम? फिर भानु। और आपके दोस्त का? नितिन गुज्जर। फिर उन्होंने रेफर कर दिया CGI। कैसी लात है उसकी? अब तो ठीक है जी, डॉक्टर कह रहे हैं कोई वो नहीं है। देखो, जैसे कंट्रोल रूम से सूचना मिली है कि जोड़ियों गुरुद्वारे के पास गोली चली है और मजरूब जो इलाज के लिए शर्मा अस्पताल में दाखिल है, तो हमने वहाँ पर जोड़ियों गुरुद्वारे के आसपास पता किया, जो वहाँ से अभी कुछ पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई और अब शर्मा अस्पताल में आ गया और हमने मजरूब के बयान लिख लिए हैं। बयान लिखने के बाद हम FIR लॉज कर रहे हैं और आगे जो भी तफ्तीश में आगे सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, किस धारा में मामला दर्ज होगा? अभी सेक्शन आरएमज एक्ट और 307 IPC का पत्र दर्ज है। इसमें सर क्या डिटेल बताई जिसको गोली लगी, क्या मामला क्या था? अभी तो ये बता रहा है लड़का कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, जो जैसे ही वहाँ किसी काम से उतरा और आगे से I-20 कार आई है, तो उसका शीशा खोल के उसने कनेक्टर साइड का उसने गोली चलाई है और गोली की कोई आवाज़ भी नहीं आई है और ना ही इसका ब्लड निकला है।